नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातीय जनगणना में अब देश, राज्य और जिला के लिए भी कोड तय। मोतिहारी शराब कांड को लेकर सीएम नीतीश ने की घोषणा। शिक्षक नियमावली के विरोध में 25 अप्रैल को प्रखंड स्तरीय धरना देंगे प्राथमिक शिक्षक। पटना आने वाले यात्रियों की पहली पसंद बनी फ्लाइट। बीसीसीआई ने बढ़ाई घरेलू टूर्नामेंटों की पुरस्कार राशि। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जातीय जनगणना में अब देश, राज्य और जिला के लिए भी कोड तय। 15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जातीय गणना के शुरुआत होने के बाद अब इसके प्रारूप में एक और नया बदलाव किया गया है। दरअसल अब जातियों की गणना के साथ साथ देश, राज्य और जिला के लिए भी कोड तय कर लिया गया है। बता दें कि यह बदलाव सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के जिलों के लिए जो कोड निर्धारित किया गया है उसमें सबसे पहला नंबर अररिया को दिया गया है, तो वहीं सबसे अंतिम नंबर वैशाली को दिया गया है। मालूम हो कि जिलों के लिए जो कोड निर्धारित किया गया है वह क्रमानुसार अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और आखिरी में वैशाली को रखा गया है। इसके साथ ही दुनिया के 239 देश और भारत के 35 राज्य के लिए भी कोड का निर्धारण किया गया है। मोतिहारी शराब कांड को लेकर सीएम नीतीश ने की घोषणा। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के द्वारा अब इस घटना को लेकर एक बड़ा घोषणा किया गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिन भी लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, उनके परिवार वालों को सरकार की ओर से सीएम रिलीफ फंड में से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मुआवजा 2016 से अभी तक मरने वाले लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि वे राज्य में 2016 से अब तक मरने वाले लोगों का आंकड़ा तैयार करें। उस आंकड़े के आधार पर ही मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि शराब पीने वाले लोगों ने गलत किया है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से उनके परिवार की मदद की जाएगी। इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी। अगर आप भी उन छात्रों में आते हैं जो इस बार इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार इसकी पहली परीक्षा 26 अप्रैल को होने वाली है। वहीं इसका रिजल्ट 20 मई तक जारी कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहला शिफ्ट की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जो कि 12:45 तक चलेगी। वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जो कि शाम 5:15 तक चलने वाली है। वैसे छात्र जिन्होंने अब तक जारी किया गया शेड्यूल नहीं देखा है, वह बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मोतिहारी शराब कांड में 30 पहुंची मरने वालों की संख्या, इतने पुलिसकर्मी हुए निलंबित। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या अब 30 पहुंच गई है। बता दें कि अब भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मालूम हो कि ये 30 मरने वाले लोग तुरकौलिया, रघुनाथपुर, हड, सिद्धि, पहाड़पुर और सुगौली के रहने वाले हैं। वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मौत के आंकड़ों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अब तक मरने वालों की संख्या को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर अब तक 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें 5 थाने के SHO, 1 SI, 1 ASI और 9 चौकीदार शामिल है। बता दें कि इस बात की जानकारी SP कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा दी गई है। वहीं इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए, इसे लेकर सभी को समझाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। शिक्षक नियमावली के विरोध में 25 अप्रैल को प्रखंड स्तरीय धरना देंगे प्राथमिक शिक्षक। बिहार में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगाए जाने के बाद शिक्षकों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में संघ के राज्य कार्यकारिणी एवं कुल 38 जिलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षक नियमावली के विरोध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आगामी 25 अप्रैल 2023 को बिहार के सभी प्रखंडों में काला बिल्ला लगाकर धरना दिया जाएगा और क्रमिक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जब तक सरकार के द्वारा इस नियमावली में बदलाव नहीं किया जाता है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि आगे के कार्यक्रम की घोषणा प्रथम चरण के आंदोलन के उपरांत की जाएगी। पटना आने वाले यात्रियों की पहली पसंद बनी फ्लाइट।
बीते सप्ताह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 2023 में देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार की राजधानी पटना आने वाले हवाई यात्रियों की 3.0 लाख संख्या हो गई है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 2023-24 के अंत तक पटना आने वाले हवाई यात्रियों की संख्या 40 लाख के ऊपर पहुंच सकती है। बता दें कि पिछली बार 40 लाख का यह आंकड़ा वर्ष 2019 और 2020 में देखा गया था, जब पटना एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक का ग्रोथ अपने पिक पर था। लेकिन वर्ष 2020 के बाद कोरोना की वजह से एयर ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया था। मालूम हो कि इस वर्ष फरवरी माह में बीते फरवरी की तुलना में 18.06% की वृद्धि हुई है। फिर इस वर्ष फरवरी की तुलना में बीते फरवरी में माल ढुलाई में 27% की कमी आई है। अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस ने जीता कांस्य। नंदरी नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में 16 से 18 अप्रैल तक अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रतियोगिता के पहले दिन बिहार के प्रिंस यादव के द्वारा प्रतियोगिता के फ्री स्टाइल में 80 केजी वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। मालूम हो कि प्रतियोगिता में पहले मैच में बिहार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 10-0 से हराया गया, तो वहीं दूसरे मैच में बिहार के द्वारा तेलंगाना को और तीसरे मैच में जम्मू एंड कश्मीर को हराया गया। बता दें कि बिहार के लाल प्रिंस कुमार के द्वारा कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया गया है। उनके इस उपलब्धि पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा और बिहार कुश्ती संघ के महासचिव विनय कुमार सिंह के द्वारा बधाई दी गई है। हिमेश रेशमिया के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भी। बीते दिन रविवार को बिहार के गोपालगंज में सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर के पास स्थित होमगार्ड फील्ड में आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया पहुंचे थे। इस दौरान हिमेश रेशमिया की एक झलक पाने के लिए पंडाल लोगों से खचाखच भरा दिखा। बता दें कि जैसे ही हिमेश रेशमिया ने स्टेज पर गाना शुरू किया, सभी लोग उत्साहित हो उठे। इस दौरान हिमेश रेशमिया ने कई गानों को गाकर श्रोताओं का दिल जीता। हालांकि इस दौरान लोगों की भीड़ इतनी रही कि कई कुर्सियां भी टूट गई। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा भीड़ पर लाठियां भी बरसाई गई। इस दौरान कई युवाओं को चोट भी आई है, जिसके बाद कुछ युवा पुलिस से भी भिड़ गए थे। पटना वासियों को जल्द मिलेगा एक और फ्लाईओवर। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए और लोगों को सुविधा देने के लिए बहुत जल्द ही हड़ताली मोड़ पर लोहिया पथ चक्र के फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस काम की शुरुआत मई महीने से शुरू होने वाली है। बता दें कि इसके लिए फाउंडेशन का काम इस माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि हड़ताली मोड़ के पास बेली रोड में लगभग 125 मीटर का फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही दारोगा राय पथ से बोरिंग कैनाल रोड व बिहार म्यूजियम के तरफ से जाने के लिए अंडरपास का भी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से पटना वासियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। बिहार में मिले 137 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में बीते पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 137 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब राज्य में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 493 हो गई है। बता दें कि 137 नए कोरोना संक्रमित बिहार की राजधानी पटना समेत पूर्णिया, भागलपुर व मुंगेर से मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश में बिहार कोरोना संक्रमितों में 13वें स्थान पर है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना से कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 डॉक्टर और 2 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। इसके साथ ही अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 223 के पार हो गई है। जहरीली शराब पर कांग्रेस ने नीतीश को घेरा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर नीतीश सरकार में सहयोगी कांग्रेस के 2 विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में शराबबंदी कानून और भी सख्ती से लागू करने की अपील की गई है। बता दें कांग्रेस के विधायक और विधानसभा दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा कहा गया कि अभी तक अधिकारियों के द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू करने को लेकर दिखावे की बात की जा रही है। इसकी जाँच पर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के राज्य के बड़े पदाधिकारियों से साठगांठ है और ऐसे में जब भी कार्रवाई होती है तो निचले स्तर के कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास के द्वारा कहा गया कि कानून तो बनाया गया लेकिन ठीक ढंग से इसका पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कि शराब का कारोबार बंद नहीं हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की और कहा कि शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आरजेडी ने सीएम नीतीश को फिट बताया पीएम उम्मीदवार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि 2024 में सीएम नीतीश कुमार भी पीएम कैंडिडेट होंगे। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था और साथ ही सभी को मना भी कर दिया गया था कि उन्हें कोई पीएम कैंडिडेट न बुलाए।
लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी की ओर से एक पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बता दिया गया है। बता दें कि अब पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को खड़ा दिखाया गया है। तो वहीं इस पोस्टर में नीतीश कुमार को एक कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है और लिखा गया है कि 2024 प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है। वहीं अब इस पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा ट्वीट कर तंज कसा गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम नीतीश कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। वहीं आरजेडी बयानों पोस्टरों से बारंबार कहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार का भविष्य आश्रम में होगा, ये सभी को पता है। लेकिन आरजेडी नीतीश जी को जबरन धकिया कर बाहर कर तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रही है। प्रशांत किशोर ने बताया बीजेपी को बिहार में मिलने वाले फायदे। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा बीते दिन अपने जनसुराज पदयात्रा में वैशाली के लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि बिहार में बीजेपी को किन चीजों में फायदे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जिन मुद्दों पर वोट देते हैं उनमें पहला जाति के नाम पर और फिर जो लोग इससे बच जाते हैं वह हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में बिहार की जनता ने संकल्प लिया था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन पुलवामा घटना के बाद लोगों ने फिर से बीजेपी को वोट दे दिया। वही जो लोग इन दोनों से बच जाते हैं वो कहते हैं कि कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो लेकिन लालू यादव का जंगल राज नहीं चाहिए। इसके अलावा चौथे श्रेणी में वो लोग आते हैं जो जिंदा रहे या नहीं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं कर सकते। ये श्रेणी अल्पसंख्यकों की है। बीसीसीआई ने बढ़ाई घरेलू टूर्नामेंटों की पुरस्कार राशि। बीते दिन रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा सभी पुरुष और महिला सीनियर घरेलू टूर्नामेंट की इनामी राशि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब रणजी ट्रॉफी के चैंपियन के लिए इनामी राशि बढ़कर 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं सीनियर महिला टीम वनडे जीतने वाली टीम को दी जाने वाली राशि 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही उपविजेता वाली टीम को अब 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। रणजी ट्रॉफी के उपविजेता को 3 करोड़ रुपए और सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए, ईरानी कप विजेता को 50 लाख रुपए जबकि उपविजेता को 25 लाख रुपए, दलीप ट्रॉफी विजेताओं के लिए 1 करोड़ रुपए जबकि उपविजेता को 50 लाख रुपए, डीवी देवधर ट्रॉफी के विजेता को 40 लाख रुपए, उपविजेता को 20 लाख रुपए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेताओं को 80 लाख रुपए और उपविजेता को 40 लाख रुपए मिलेंगे। सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के विजेता को 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पिट्टू कुमार राज, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, सदुल्लाह पलवी, सलमान अली, नुन्नू गोलू कुमार, अभिनव कुमार, बाबूलाल मरांडी, के एन सिंह, राकेश, भान प्रकाश मौर्य, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटु रंगीला, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए सरकार को और क्या क्या सख्त कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।